सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से हम आ गए हैं रोड पे। नए दिन की शुरुआत हो गई है, सवेरे के 11:30 बज गए हैं और हम वापस हैं। ये आपको पीछे दिख रहा होगा चांसराय। दोबारा हमारी शुरुआत हो गई है वापस इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ने की। हम जा रहे हैं यहाँ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर, और उस जो हमने पिछली बार आपको दिखाया था सितंबर लास्ट में कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितना बना है, कैसा कंडीशन है, और अभी हम लेटेस्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं कि कहां तक बना है और हम कहां तक पहुंचते हैं इस रोड से और कितने एग्जिट और एंट्री अब तक बन चुकी है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं वापस से इस वंडरफुल, इस ज़बरदस्त एक्सप्रेसवे को एक्सप्लोर करते हैं नए तरीके से। पिछली बार हमने जितना देखा था उसमें कई जगह डाइवर्जन थे, बीच बीच में एग्जिट था, कहीं कहीं ब्रिज नहीं बने थे। तो इस बार हम देखते हैं कि और कितनी चीज़ें बनी हुई हैं। और अभी हमें आते वक्त लखनऊ से भी चढ़ने का रास्ता, उतरने का रास्ता भी दिख गया है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें अब तक कम्प्लीट हो चुकी होंगी। तो आइए लेटेस्ट में भी ये चेक करते हैं कि इस महीने में अभी करंट में शुरू हो चुका है और हम देखते हैं कि अब ये कितना कम्प्लीट हुआ है और आप इस पर कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हुए शुरुआत करते हैं इस एक्सप्रेस वे को फिर से नए तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। सेम शुरुआत जगह चांद सराय के साथ आइए। तो ये है चांद सराय जहाँ से हमने अभी आपको दिखाया। तो यहाँ से जर्नी की शुरुआत हमारी हो गई है। अभी हम जो एग्जिट है उतरने वाला उसी से ही चढ़ रहे हैं क्योंकि नॉर्मली चढ़ने वाले पे अभी काम हो रहा है। यहाँ से हम घूम गए और ये हम शुरुआत कर लिए हैं इस जबरदस्त 340 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पे चढ़ने की। उत्तर प्रदेश का गौरव होगा ये 340 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे। होर्डिंग्स और इंफॉर्मेशन बोर्ड, किलोमीटर, मीटर, इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन बोर्ड लगना शुरू हो गया है। पहला ब्रिज भी सामने कंप्लीट हो गया है, ज़बरदस्त चमकते हुए सिल्वर कलर में। और ये है नीचे वाला रास्ता, यहाँ से राइट साइड में एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है नीचे वाला रोड जो लखनऊ से आ रहा है, सुल्तानपुर से, या सुल्तानपुर तक जाने के लिए, या सुल्तानपुर से वापस आकर के लखनऊ तक जाने के लिए। और पेड़ वगैरह लगाने की भी शुरुआत इन्होंने कर दी है, यहाँ पे पेड़ वगैरह लगने शुरू हो गए हैं। फिलहाल अभी इसके इनॉग्रेशन की कोई भी डेट रिलीज नहीं की गई है, और अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री जी कुशीनगर होकर के गए हैं। वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने के बाद, और अभी लेफ्ट साइड पे देखिए काम चल रहा है। लेफ्ट साइड का रोड यानी आने जाने वाला रोड शुरू नहीं हुआ है, आने वाले रोड से ही हम जा रहे हैं। थोड़ा बहुत काम चल रहा है, पेंटिंग का काम उस पर चल रहा है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, बट रोड जैसा हम पिछली बार पूरा कवर कर चुके हैं, रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रोड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये लगा है बोर्ड, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। तो फाइनल स्टेज का काम इस पे चल रहा है, जैसे कि इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाना, बीच बीच में पौधे लगाना, रोड की पेंटिंग, या कॉर्नर पे स्टील बैरिकेटिंग, इस तरीके की चीज़ें लगानी है। आप ये बोल सकते हैं कि 95% काम कंप्लीट हो गया है इसमें, और सड़क चलने लायक पूरी बन चुकी है। कई जगह हमें दिख रहा है कि बोर्ड आ चुके हैं, बोर्ड फिटिंग होना शुरू हो गए हैं, इंफॉर्मेशन बोर्ड किलोमीटर के और एरिया के, एग्जिट के, एंट्री के।
लेकिन बीच बीच में सामान और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है वो पड़े हुए हैं। ये देखिए आपको सामने दिख जाएगा, थोड़ा थोड़ा चलता हुआ काम होता हुआ। ये देखिए बैरिकेडिंग के लिए स्टील और आयरन के ये सब फ्रेम यहाँ रखे हुए हैं और हम अभी भी रॉन्ग साइड से ही, मतलब इधर से आना है उस तरफ से ही जा रहे हैं। राइट साइड में आपको जो अपना एंट्री जाने वाला रास्ता उस पर काम चलता हुआ दिख रहा है। ये देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, काम चल रहा है इस पर और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। उम्मीद है जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगा और होपफुली बाय नवंबर लास्ट तक इसका इनॉग्रेशन हो जाना चाहिए। अभी तक कोई ऑफिशियल गाइडलाइन इसकी नहीं आई है लॉन्चिंग की, बट उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी ये इसको इनॉग्रेट कर देंगे और पब्लिक को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। आज हमारी जो कोशिश होगी वो हमारी कोशिश ये है कि एक तो हम इसकी एयर स्ट्रिप कितनी लंबी है वो देखनी है, दूसरा हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे एग्जिट एंट्री बन चुकी है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर आए तो कहाँ उतर सकते हैं, कहाँ चढ़ सकते हैं। जो पिछली बार हमें दिक्कत हुई थी मऊ में, हमें नहीं मिला था चढ़ने के लिए, हमें वापस आकर के आजमगढ़ से चढ़ना पड़ा था कच्चे रास्ते से। आप पीछे पिछले वीडियो में ये चीज़ देख सकते हैं, मैं उसका लिंक साथ में शेयर कर दूंगा ताकि आप पिछले वीडियो में इंफॉर्मेशन के लिए वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। इस बार हमारी कोशिश होगी कि हम एग्जैक्ट कहाँ पे कंप्लीट है वो चेक करके आपको दिखा दें। और दूसरी कोशिश आने वाले टाइम पे हमारी ये होगी कि चूंकि हम गाजीपुर, आजमगढ़ गाजीपुर होते हुए बनारस जाएंगे, तो बनारस से लिंक एक्सप्रेसवे कहाँ तक बना है इस पूर्वांचल एक्सप्रेस को कनेक्ट करने के लिए, वो भी हम जरूर कोशिश करेंगे कि कवर अप करें और वो भी आपको दिखाएं। तो इसके बाद हमारी कोशिश होगी सेकंड जो इसके बाद वीडियो आएगा या नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम उस रोड की भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें कि अगर आप बनारस से ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ना चाहते हैं तो कैसे आप इसको पकड़ सकते हैं या कैसे आप इस रोड पे आ सकते हैं। तो दो तीन मेन पॉइंट हैं सबसे ज्यादा जरूरी, एक तो इसकी एग्जिट और एंट्री कि कहां तक इसकी एग्जिट एंट्री अब कंप्लीट हो गई है, डेढ़ महीने एक महीने के बाद करीबन एक महीने के बाद हम दोबारा से इस रोड पे हैं नई अपडेट्स कवर करने के लिए। और थर्ड इम्पोर्टेंट ये होगा कि हम इस रोड में कितने जो टर्न है या जो रॉन्ग साइड पे या बीच में जो काम बचे हुए थे वो कितना कंप्लीट हो गया है वो आपको दिखा दें। तो ये तीन पॉइंट है कि एयर स्ट्रिप कितनी लंबी है और एग्जैक्ट उसकी लेंथ कितनी है, सेकंड कि कितने एग्जिट और एंट्री कंप्लीट हो चुके हैं किस किस शहर में उतरने के लिए, और फूड कोर्ट या रेस्टोरेंट का काम कितना शुरू हुआ है या नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि पिछली बार वहाँ पे कुछ भी शुरू नहीं हुआ था। और थर्ड इम्पॉर्टेंट ये होगा कि हम इससे कहाँ तक पहुँच सकते हैं और कितने एग्जिट या डाइवर्जन जो बीच बीच में थे वो कितने कंप्लीट हो गए हैं या ओवर ब्रिज कितने कंप्लीट हो गए, हम कितने से जा सकते हैं। फिर मैं कहूँगा कि यू कम विद कंप्लीट प्रिपरेशन कि आप अपना खाना और पानी साथ लेकर के चलें, क्योंकि अगर आप गाजीपुर तक जा रहे हैं करीबन 310 किलोमीटर गाजीपुर है और गाजीपुर तक अगर आप जा रहे हैं तो आपको रोड पे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बेटर ये होगा कि आप अपनी गाड़ी का फ्यूल, एयर, अपने खाने पीने का सामान साथ रख के चलें ताकि आपको इस रोड पे परेशानी ना हो। अगर आप चलें तो ज़रा सड़क पे ध्यान देते हुए चलें ताकि दिक्कत ना हो आपको। देखिए ये सीधे से इन्होंने नीचे उतार दिया है, सीधे से ऊपर चढ़ा दिया है, जबकि इसको थोड़ा सा स्लोप देना चाहिए। क्या वजह है इसकी हम नहीं बता सकते, लेकिन ये तरीका जो है बना करके इस तरीके से छोड़ने का बराबर से वो शायद सही नहीं है। 40 से 50 किलोमीटर हम चल चुके हैं और ये फिर इस तरीके से इन्होंने छोड़ रखा है बीच में। ये ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके ऊपर होता है कि रोड पोर्शन में दिया जाता है उनको काम,
और वो पोर्शन अपना कंप्लीट करके उसको एग्जैक्ट वहीं पे ख़त्म कर देते हैं जहां उनसे जहां तक उनका टेंडर होता है। और एक महीने के बाद भी रोड की कंडीशन जो ऊपर की तरफ है, लेफ्ट साइड का रोड अभी भी मैक्सिमम जगह पे बंद है जाने वाला रोड से, आने वाले रोड पे ही आने जाने का ट्रैफिक चल रहा है। लेफ्ट साइड के रोड पे अभी भी काम वैसे ही हो रहा है। बाराबंकी, आजमगढ़, गाजीपुर स्ट्रेट, ये एग्जिट है लेकिन एग्जिट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, आगे से रोड बना करके इन्होंने छोड़ रखा है, वहाँ पे टोल भी बन रहा है, टोल की एंट्री भी बन रही है लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वाला एग्जिट भी, ये हैदरगढ़ का एग्जिट है, ये देखिए ये है नीचे का रोड, नीचे का रोड भी कंप्लीट नहीं है। हम इस रोड से ऊपर आ गए, यहाँ से हम ऊपर आ गए हैं और ये आने का रास्ता है, ये एग्जिट है जो एग्जिट कंप्लीट नहीं है और काम चलता हुआ, पूरी तरीके से काम चल रहा है लेकिन शायद इसमें थोड़ा समय और लगेगा। शायद ये महीना नवंबर इसमें लगने वाला है क्योंकि सर्विस लेन रोड जो है वो भी सर्विस लेन, ये देखिए आपको सर्विस लेन कच्ची दिखाई देगी, ये देखिए पुल का काम या बाकी चीज़ें चल रही हैं, ये चढ़ने का काम है, चढ़ने के लिए एंट्री का रोड अभी कंप्लीट नहीं है हैदरगढ़ से, ये रास्ता हैदरगढ़ चला गया है और ये चढ़ने का भी रोड कंप्लीट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जगदीशपुर का एग्जिट पे हम आ गए हैं, अयोध्या जगदीशपुर का एग्जिट, यहाँ पर सर्विस लेन कुछ कंप्लीट हो गई है और एग्जिट भी यहाँ से इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। 80 किलोमीटर बाद ये एग्जिट कंप्लीट है, लेफ्ट साइड में आपको ये दिख रहा होगा। ये है एग्जिट और एंट्री भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, नीचे से ये ब्रिज भी का भी काम कंप्लीट हो गया है और ब्रिज का। और ये एंट्री का रोड भी यहाँ से कंप्लीट हो गया है और वहाँ पे इन्होंने दूर आपको दिख रहा होगा वो टोल बनाया हुआ है कि आप एग्जिट लेते हैं तो उस टोल से पेमेंट करके बाहर निकल सकते हैं। तो जगदीशपुर वाला एंट्री और एग्जिट कंप्लीट है। और ये यहाँ से अयोध्या 55 किलोमीटर, सुल्तानपुर 46 और गाजीपुर 295 ये दिखा रहे हैं बोर्ड पे, ये मेंशन किया हुआ है। और ओवर ब्रिज वगैरह का काम भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा ओवर ब्रिज इन्होंने बना दिया है, आपको ये इस तरीके से दिख रहा होगा, पूरा टर्न करके आप इस पर चढ़ सकते हैं यहाँ से। और हम हैं वापस अपने सीधे रोड पे गाजीपुर पहुँचते हुए। और एक नई चीज़ और हमें यहाँ देखने को मिली, ये आपको रोड के बीच में ग्रीन कलर के रिफ्लेक्टर के साथ में पार्टीशन इन्होंने लगा रखा है फाइबर की शीट का, ताकि सामने से गाड़ी जो भी आ रही हो उसकी लाइट आपकी आंखों में ना पड़े, टर्न वगैरह पे इन्होंने लगा दिया है, थोड़ा सा इस साइड में रिफ्लेक्टर भी लगा दिया है ताकि आपकी लाइट से रिफ्लेक्ट होकर आपको पता लग जाए कि यहाँ पे टर्न है। और बीच में चूंकि पेड़ अभी लगाए गए हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं तो अभी छोटे हैं तो उसमें थोड़ा सा ग्रो होने में अभी टाइम लगेगा। और ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ नेक्स्ट एग्जिट जो है 122 किलोमीटर पे है। और ये है पहला साइन बोर्ड, 107 किलोमीटर चलने के बाद पहला रेस्ट एरिया का साइन बोर्ड। और अब हम 1 किलोमीटर बाद देखेंगे कि रेस्ट एरिया की पोजिशन क्या है करीबन 1.5 महीने बाद दोबारा इस रोड पे। तो चलिए पहुँचते हैं 1 किलोमीटर और आगे। और यहाँ पे देखिए साथ पर मार्किंग का काम चल रहा है रेस्ट एरिया के लिए, मार्किंग का काम हो रहा है। और रेस्ट एरिया के लिए ये है कट, जो इन्होंने कट तो बना दिया है। और जहाँ पे आपको बगीचा दिख रहा है ये है प्रपोज्ड
रेस्ट एरिया जिसपे अभी कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं। पानी भरा हुआ तालाब बना हुआ है और आम का बगीचा है, जैसा हमने लास्ट टाइम भी दिखाया था, आप पिछले वीडियो से इसको रेफर कर सकते हैं। और सेम पोजीशन है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो अभी फिलहाल आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस रोड पे। नीचे की सर्विस लेन इन्होंने कुछ हद तक जरूर कंप्लीट कर दी है, लेकिन ऊपर आपको कुछ नहीं मिला है। लेफ्ट साइड में आपको देखिए नीचे दिख रहा होगा, सर्विस लेन बना दी है। तो इसीलिए हमारी एडवाइस है, आप अपना खाने पीने का सामान और गाड़ी का फ्यूल फुल करके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जब तक इस रूट की प्रॉपर ऑफिशियल लॉन्चिंग नहीं हो जाती। थर्ड ब्रिज पे पहुंच गए हैं, ये भी अयोध्या और सुल्तानपुर के लिए कट रहा है। यहाँ पे और करीबन 121 किलोमीटर हम शुरुआत से लेकर अब तक इस पे चल चुके हैं। तकरीबन 50% हम पहुंचने वाले हैं इस रोड पे। ये आपको सामने एग्जिट बना हुआ दिख रहा होगा, सीधे निकल जाएगा अम्बेडकर नगर आसमगढ़ के लिए और लेफ्ट चला जाएगा सुल्तानपुर के लिए। ये 123 किलोमीटर की मार्किंग है यहाँ, और 123 किलोमीटर की मार्किंग के बाद ये है करंट पोजीशन। यहाँ पे एग्जिट और एंट्री सुल्तानपुर के रोड की यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। थोड़ा आगे मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, वो कंप्लीट नहीं है। ये चढ़ने के लिए है और इसके पीछे से वहाँ से जो हमने दिखाया था आपको, वहाँ से उतरने के लिए है, वहाँ से आप उतर सकते हैं। और ये पूरा ट्रायंगल शेप उन्होंने बना दिया है और यहाँ से आप चढ़ सकते हैं। तो सुल्तानपुर का एग्जिट और एंट्री कंप्लीट है। तो ये जैसा हमने कहा था कि इम्पॉर्टेंट कवर हम करेंगे कि एयर स्ट्रिप एक्चुअली है कितनी लंबी। तो अब हम एयर स्ट्रिप चढ़ चुके हैं और लेट्स सी ये है कितनी लंबी। तो ये एयर स्ट्रिप एंड हो गई यहाँ पे 4 किलोमीटर के आसपास, और ये हम पहुंच गए हैं दोस्तपुर के एग्जिट पे। ये एग्जिट आधा बना है, अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। और सीधे जो रास्ता, क्योंकि हम रॉन्ग साइड में चल रहे हैं, तो आपको ये लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा अम्बेडकर नगर 54, आजमगढ़ 81 और गाजीपुर 161 किलोमीटर। तो अभी 161 किलोमीटर हमें और जाना है गाजीपुर के लिए, जहाँ तक ये रोड पहुँची हुई है। और करीबन 162 किलोमीटर हम चल चुके हैं अभी तक इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद। और अभी भी रॉन्ग साइड पे ही ज्यादा चलना पड़ रहा है, राइट साइड पे जो आने वाला रास्ता है उसी पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि रोड कंप्लीट नहीं है या काम चल रहा है बीच बीच में। तो इसलिए अभी भी आप जब भी चले तो डायवर्जन जरूर ध्यान रखिए। बीच बीच में डायवर्जन दिया हुआ है इन्होंने, तो उस हिसाब से डायवर्जन का ध्यान रख करके तभी उस रोड के तरफ चले। तो अब हम खड़े हैं 181 किलोमीटर पे, 181 किलोमीटर चलने के बाद, और रुक गए हैं खाना खाने के लिए। जैसा हमने बताया कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको अपना इंतजाम खुद करके चलना है। तो हम अपना इंतजाम खुद करके चले हैं खाने का। तो अब हम खाना खाते हैं और खाने के बाद आगे बढ़ेंगे वापस इस रोड पे गाजीपुर पहुंचने के लिए। तो अब हम लंच करके यहां से वापस निकल चुके हैं। 181 किलोमीटर पे हमने लंच किया और 181 किलोमीटर के बाद 182 पे ये एग्जिट है,
लेफ्ट साइड में। ये एग्जिट कंप्लीट हो गया है, पेंटिंग का काम चल रहा है। ये देखिए पेंटिंग का काम वगैरह चल रहा है, एग्जिट कंप्लीट हो गया है। टोल का काम अभी आगे बचा हुआ है, मेन रोड पे जाके ये कनेक्ट हो रहा है। यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है सीधे और सामने इनका मेन स्टोरेज है, जहाँ गिट्टियाँ और उसका काम स्टोरेज है, जहाँ से सप्लाई हो रही है गिट्टियों की और सीमेंट की और बाकी चीज़ों की इस कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। तो ये भी एग्जिट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रोड से मेन रोड से कनेक्ट हो गया यहाँ पे आकर के। तो ये आपके लिए इजी रहेगा कि ये एग्जिट आप यूज कर सकते हैं। और एंट्री अभी कंप्लीट नहीं है, ये एग्जिट हमने आपको दिखा दिया, एंट्री आगे से है। और एंट्री अभी कंप्लीट नहीं है, एंट्री के लिए नहीं आ जा सकते, तो एग्जिट से ही आपको चलना पड़ेगा एंट्री करने के लिए 182 किलोमीटर। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो एग्जिट कंप्लीट कर दिया इन्होंने, एंट्री अभी कंप्लीट नहीं की है, जिसमें अभी टाइम लगना है। ये काम चलता हुआ, ब्रिज वगैरह का काम यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। और जो हमने दिखाया इनका प्लांट, ये है प्लांट पे काम पूरा जोर शोर से चलता हुआ। और ये है एंट्री का एरिया जो अभी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, अभी मिट्टी ऐसी ही पड़ी है, काम चल रहा है, तो होपफुली ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरे साइड में भी काम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। रोड इन्होंने कंप्लीट कर दी है, रोड थोड़ा सा बगल में आप देखेंगे तो दूसरे साइड में रोड चलती हुई दिखाई दे जाएगी। रोड इन्होंने कंप्लीट कर दी, लेकिन चूंकि ब्रिज वगैरह का काम नहीं हुआ है तो उसकी वजह से उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। टोल का काम इन्होंने खत्म कर दिया, टोल इन्होंने सबसे पहले खत्म किया है इस चीज में कि जिस दिन से शुरू होगा उस दिन से ही वसूली चालू हो जाएगी। यह है वो रोड जहां पे पुल का काम हो रहा है, ये हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, हम इसी रोड से चढ़ के ऊपर आए थे कच्चे रास्ते से होते हुए। और 235 किलोमीटर के माइलस्टोन पर हम चढ़े थे, ये देखिए आपको 235 किलोमीटर ये दिख जाएगा। और जहां से हम चढ़े थे वो भी जगह आपको दिखा देते हैं कि वो काम चलाऊ जगह है, टेम्परेरी फेजेस में उन्होंने बनाया है चढ़ने के लिए। और ये पार्टीशन वगैरह बना रहे हैं, देखिए साइड में जो एंगल के सपोर्टर्स लगते हैं वो लग रहे हैं, उसमें भी काम चलता हुआ। और ये हम पहुंच गए 235 किलोमीटर के माइलस्टोन पे जहां से हम चढ़ के आए थे। ये कच्चा रास्ता है जहां से हम ऊपर चढ़े थे, ये है वो कच्चा रास्ता। इस रास्ते से होते हुए हम ऊपर आए थे, नीचे कीचड़ से होते हुए, और यहाँ से हम चढ़ करके लखनऊ के लिए निकले थे। तो इस रोड पे हम पहुंच रहे, तो आजमगढ़ का अभी कट जो है वो अभी भी कंप्लीट नहीं है। ये की तरफ से आप इसी रास्ते से जुगाड़ के तरीके से उतर के जा सकते हैं, ये देखिए गाड़ी घूम के यहाँ से जा रही है आजमगढ़ उतरने के लिए, क्योंकि और भी कोई कट नहीं बना हुआ है प्रॉपर तरीके से। लेकिन हाँ आप फोर व्हीलर लेकर के नीचे उतर सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर एग्जिट और एंट्री कंप्लीट नहीं है आजमगढ़ की, तो ये जरूर ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं
250 किलोमीटर कवर करने के बाद आजमगढ़ के एरिया में आ चुके हैं। आजमगढ़ का ये पूरा एरिया है और 250 किलोमीटर चलने के बाद तकरीबन 4:30 हो रहे हैं, शाम जैसा माहौल हो रहा है और चूँकि मौसम थोड़ा बदली है तो अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। जाना हमें गाज़ीपुर तक है और गाज़ीपुर से बनारस तक है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको लखनऊ से अगर आप चलते हैं और इस पूर्वांचल एक्सप्रेस से आप बनारस कैसे पहुंच सकते हैं वो हमारी दिखाने की कोशिश है, क्योंकि अभी बनारस लिंक एक्सप्रेस वे अभी शुरू नहीं हुआ है, तो आप यहां से गाज़ीपुर और गाज़ीपुर से बनारस कैसे पहुँच सकते हैं ये सारी चीज़ें हम आपको शेयर करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आपके सपोर्ट की ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ेगी, आप अपना सपोर्ट हमें यूं ही देते रहें और आने वाले व्लॉग में अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर बताते रहें कि हम और कौन सा एरिया कवर करके आपको दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट, आपके इनक्रेजमेंट, आपके गाइडलाइन के लिए। बहुत से लोगों ने हमसे बहुत से रोड के बारे में पूछा, कुछ लोगों ने मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेसवे के लिए बोला, कुछ लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आबाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक ख़त्म हो रहा है उसके लिए बोला। तो हमारे पास जैसे जैसे हमें टाइम मिलता रहेगा हम उस हिसाब से उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे, तो आपको हम उसी हिसाब से दिखाते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें ताकि हम उस हिसाब से आगे की कोशिश और आगे की रिकॉर्डिंग और आगे के ब्लॉग को उसी हिसाब से बनाते रहें जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, सपोर्ट एंड इनकरेज। थैंक यू।